हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम सुनेंगे शिव महापुराण श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड का 24वां अध्याय, सप्तऋषियों द्वारा पार्वती की परीक्षा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं के अपने अपने निवास पर लौट जाने के उपरांत भगवान शिव पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के विषय में सोचने लगे। वे अपने परात पर माया रहित स्वरूप का चिंतन करने लगे। वैसे तो वे सर्वेश्वर और सर्वज्ञ हैं, वे ही सबके रचनाकार और परमेश्वर हैं। उस समय देवी पार्वती बहुत कठोर तप कर रही थी। उस तपस्या को देखकर स्वयं भगवान शिव भी आश्चर्यचकित हो गए। उनकी अटूट भक्ति ने शिव जी को विचलित कर दिया। तब भगवान शिव ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही सातों ऋषि वहाँ आ गए। वे अत्यंत प्रसन्न थे और अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। उन्हें देखकर शिवजी हंसते हुए बोले, आप सभी परम हितकारी व सभी वस्तुओं का ज्ञान रखने वाले हैं। गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती इस समय सुस्थिर होकर शुद्ध हृदय से गौरी शिखर पर्वत पर घोर तप कर रही है। उनकी इस तपस्या का एकमात्र उद्देश्य मुझे पति रूप में प्राप्त करना है। उन्होंने अपनी सभी कामनाओं को त्याग दिया है। मुनिवरों, आप सब मेरी इच्छा से देवी पार्वती के पास जाएं और उनकी दृढ़ता की परीक्षा लें। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सातों ऋषि देवी पार्वती के तपस्या वाले स्थान पर चले गए। वहां देवी पार्वती तपस्या में लीन थी। उनका मुख तप पुंज से प्रकाशित था। उन उत्तम व्रतधारी सप्त ऋषियों ने हाथ जोड़कर मन ही मन देवी पार्वती को प्रणाम किया। तत्पश्चात ऋषि बोले, हे देवी गिरिराज नंदिनी, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आप किस लिए यह तपस्या कर रही हैं। आप इस तप के द्वारा किस देवता को प्रसन्न करना चाहती हैं और आपको किस फल की इच्छा है। उन सप्त ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती बोली, हे मुनीश्वरों, आप लोगों को मेरी बातें अवश्य ही असंभव लगेंगी। साथ ही मुझे इस बात की भी आशंका है कि आप लोग मेरे परिहास उड़ाएंगे, परंतु फिर भी जब आपने मुझसे कुछ पूछा है तो मैं आपको इसका उत्तर अवश्य दूंगी। मेरा मन एक बहुत उत्तम कार्य के लिए तपस्या कर रहा है। वैसे तो यह कार्य होना बहुत मुश्किल है, तथापि मैं इसकी सिद्धि हेतु पूरे मनोयोग से कार्य कर रही हूँ। देवऋषि नारद द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या कर रही हूँ। मेरा मन सर्वथा उन्हीं के ध्यान में मग्न रहता है तथा मैं उन्हीं के चरण वंदनों का चिंतन करती रहती हूँ। देवी पार्वती का यह वचन सुनकर सप्त ऋषि हंसने लगे और पार्वती को तपस्या मार्ग से निवृत्त करने का उद्देश्य वे मिथ्या वचन बोलने लगे। उन्होंने कहा, हे हिमालय पुत्री पार्वती, देव ऋषि नारद तो व्यर्थ ही अपने को महान पंडित मानते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप तो बहुत समझदार दिखाई देती हैं, क्या आप उनको समझ नहीं पाई? नारद सदैव छल कपट की बातें करते हैं। वे दूसरों को मोह माया में डालते रहते हैं। उनकी बातें मानने से सिर्फ हानि ही होती है। प्रजापति दक्ष के पुत्रों को उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि वे हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चले गए। दक्ष के ही अन्य पुत्रों को भी उन्होंने बेघर कर दिया और वे भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रकेतु का नारद ने घर उजाड़ दिया। प्रहलाद को भक्ति मार्ग पर चलाकर और उन्हें अपना शिष्य बनाकर उन्होंने हिरण्यकश्यपु से प्रहलाद पर बहुत से अत्याचार करवाए। मुनि नारद सदैव लोगों को अपनी मीठी मीठी वाणी द्वारा मोहित करते हैं, फिर अपनी इच्छानुसार सबसे कार्य करवाते हैं। वे केवल शरीर से ही शुद्ध दिखाई देते हैं, जबकि उनका मन मलिन और कलेश युक्त रहता है। वे सदैव हमारे साथ रहते हैं, इसीलिए हम उन्हें भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं। हे देवी, आप तो अत्यंत विद्वान और परम ज्ञानी जान पड़ती हैं, भला आप कैसे नारद के द्वारा मूर्ख बन गई? देवी, आप जिनके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं, वे भगवान शिव तो बहुत उदासीन और निर्विकार हैं, वे सदैव काम के शत्रु हैं। हे पार्वती, आप थोड़ा विचार करके देखें कि आप किस प्रकार का पति चाहती हैं। आप मुनि नारद के बहकावे में ना आए। भगवान शिव तो महानिर्लज, अमंगल रूप, काम के परम शत्रु, निर्विकारी, उदासीन, कुल से हीन, भूतों व प्रेतों के साथ रहने वाले हैं। भला इस प्रकार का पति पाकर आपको किस प्रकार का सुख मिल सकता है? नारद, मुनि ने अपनी माया से तुम्हारे ज्ञान और विवेक को पूर्णतः नष्ट कर दिया है और
तुम्हें अपनी छल कपट प्रपंच वाली बातों से छला है। देवी कृपा आप यह सोचे कि इन्हीं शिव शंकर ने परम गुणवती सुंदर दक्ष पुत्री सती के साथ विवाह किया था। उस बेचारी को भी उनके साथ अत्यंत दुख उठाने पड़े। भगवान शिव सती को त्याग कर पुनः अपने ध्यान में निमग्न हो गए। वे सदा अकेले और शांत रहने वाले हैं, वे किसी स्त्री के साथ निर्वाह नहीं कर सकते। तभी तो देवी सती ने इसी दुख के कारण अपने पिता के घर जाकर अपने शरीर को योगाग्नि में जलाकर भस्म कर दिया था। हे देवी, इन सब बातों को यदि आप शांत मन से ध्यान लगाकर सोचे तो पूर्णतः यही समझेंगी। इसीलिए हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप यह तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न करने का हठ छोड़ दें और वापस अपने पिता हिमालय के घर चली जाएं। जहाँ तक आपके विवाह का प्रश्न है तो आपका विवाह योग्य वर से अवश्य कर देंगे। इस समय आपके लिए त्रिलोक में सबसे योगी पुरुष वैकुंठ के स्वामी लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु हैं। वे तुम्हारे अनुरूप ही सुंदर एवं मंगलकारी हैं। उन्हें पति के रूप में प्राप्त कर आप सुखी हो जाएंगी। अतः देवी, आप भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के इस हठ को त्याग दें। सप्तऋषियों की ऐसी बातें सुनकर साक्षात जगदम्बा का अवतार देवी पार्वती हंसने लगी और उन परम ज्ञानी सप्तऋषियों से बोली, हे मुनीश्वरों, आप अपनी समझ के अनुसार सही कह रहे हैं, परंतु मैं अपने दृढ़ विश्वास को त्याग नहीं सकती। मैं गिरिराज हिमालय की पुत्री हूँ। पर्वत पुत्री होने के कारण मैं स्वाभाविक रूप से कठोर हूँ। मैं तपस्या से घबरा नहीं सकती। इसीलिए हे मुनिगणों, आप मुझे रोकने की चेष्टा ना करें। मैं जानती हूँ कि देवऋषि नारद ने जो मुझे उपदेश दिया है और शिव जी की प्राप्ति का साधन मुझे बताया है, वे असत्य नहीं हैं। मैं उसका पालन अवश्य करूँगी। यह तो सर्वविदित है कि गुरुजनों का वचन सदैव हित के लिए ही होता है। इसलिए मैं अपने गुरु नारद जी के वचनों का सर्वथा पालन करूंगी। इससे ही मुझे दुखों से छुटकारा मिलेगा और सुख की प्राप्ति होगी। जो गुरु के वचनों को मिथ्या जानकर उन पर नहीं चलते, उन्हें इस लोक और परलोक में दुखी ही मिलता है। इसलिए गुरु के वचनों को पत्थर की लकीर मानकर उनका पालन करना चाहिए। अतः मेरा घर बसे या ना बसे, मैं तपस्या का यह पथ नहीं छोड़ूंगी। हे मुनीश्वर, आपका कथन भी सही है। भगवान विष्णु सद्गुणों से युक्त हैं तथा नित्य नई लीलाएं रचते हैं, परंतु भगवान शिव साक्षात पर ब्रह्म हैं। वे परम आनंदमय हैं। माया मोह में फंसे लोगों को ही प्रपंच की आवश्यकता होती है। ईश्वर को इन सब की ना तो कोई आवश्यकता होती है, ना ही रुचि। भगवान शिव सिर्फ भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। वे धर्म या जाति विशेष पर कृपा नहीं करते। ऋषियों, यदि भगवान शिव मुझे पत्नी रूप में नहीं स्वीकारेंगे तो मैं आजीवन कुंवारी ही रहूंगी और किसी अन्य का वरण कदापि नहीं करूंगी। यदि सूर्य पूर्व की जगह पश्चिम से निकलने लगे, पर्वत अपना स्थान छोड़ दें और अग्नि शीतलता अपना ले, चट्टानों पर फूल खिलने लगे, तो भी मैं अपना हठ नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती ने सप्त ऋषियों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा भक्ति भाव से शिव चरणों का स्मरण करते हुए पुनः तपस्या में लीन हो गई। तब पार्वती के श्रीमुख से उनका दृढ़ निश्चय सुनकर सप्तऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उनकी जय जयकार करने लगे। उन्होंने पार्वती को तपस्या में सफल होकर भगवान शिव से मनोरंजित वरदान प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात देवी पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने गए सप्तऋषि उन्हें प्रणाम करके प्रसन्न मुद्रा में भगवान शिव के वहाँ हुई सभी बातों का ज्ञान कराने के लिए शीघ्र उनके धाम की ओर चल दिए। तब भगवान शिव शंकर के पास पहुंचकर सप्त ऋषियों ने उनके समीप जाकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात सप्त ऋषियों ने महादेव जी को सारा वृतांत बताया। फिर प्रभु शिव की आज्ञा पाकर सप्त ऋषि स्वर्गलोक चले गए। ओम नमः शिवाय।